2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ यूनिक सिस्टम आईनोड हैज 10 डायरेक्ट पॉइंटर्स एंड वन सिंगल, वन डबल एंड वन ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स। ठीक है। डिस्क ब्लॉक साइज इज 1 KB, डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 32 बाइट्स एंड 48 बिट इंटीजर्स आर यूज्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज। ठीक है, तो हमारा आईनोड यूज हुआ है, दैट मींस इंडेक्स नोड की बात हो रही है, यूनिक्स में आईनोड कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स सिस्टम की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमने सबसे पहले कॉन्टिगुअस एलोकेशन देखा, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, तो हम लिंक्ड लिस्ट लेकर के आए, दैट मींस लिंक्ड एलोकेशन देखा। ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो जा रहा था हमारा, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। फिर हम फैट लेकर के आए, फैट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। उसके अंदर भी क्या हो रहा था कि हमारा साइज बड़ा हो जा रहा था उसके अंदर भी। तो फिर हम बाद में लेकर के आए इंडेक्स सिस्टम। ठीक है, इंडेक्स के अंदर क्या है, आईनोड कह लो या फिर इंडेक्स कह लो। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर क्या होने लगा कि उसके अंदर भी हम किसी एक ब्लॉक, एक अब उस हम करते क्या है कि एक ब्लॉक के अंदर उसके आगे कौन कौन से ब्लॉक्स के, उसके बाद कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे उस चीज के, उस फाइल के बारे में। कोई एक फाइल है तो फिर उसके कोई एक फाइल एक ब्लॉक में एलोकेटेड है, यानी कि एक एक ब्लॉक के अंदर तो पूरी फाइल आई नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक ब्लॉक के अंदर ये कंटेंट लिखा रहता है कि इसके बाद कौन कौन से जो होंगे, कौन कौन से ब्लॉक्स, ये जो एक फाइल है ये और कौन कौन से ब्लॉक्स में बटी हुई है, क्योंकि एक जो फाइल होती है वो सिर्फ एक ही ब्लॉक में नहीं रखी रहती, वो बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर रखे रहते हैं उसके पार्ट्स, एक पार्ट एक ब्लॉक में, एक पार्ट एक ब्लॉक में रखा रहता है। ठीक है, तो हम एक ब्लॉक के अंदर ये कंटेंट रखते हैं कि ये इस फाइल का जो कंटेंट है और कौन कौन से ब्लॉक में, सपोज ब्लॉक नंबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से इन ब्लॉक्स में इस फाइल का कंटेंट रखा हुआ है, यानी कि इस फाइल के कुछ इसमें रखे हुए हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर हम सिर्फ ये स्टोर कर देते हैं कि इसके जो और पार्ट है इस फाइल के वो कहाँ पे रखे हुए हैं इंडेक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन बात ये हो गई जो नॉर्मल इंडेक्स यूज कर रहे थे उसके अंदर, कि अगर हमारा इस एक ब्लॉक से बड़ा साइज हो गया, दैट मींस इसका ये जो हमारे फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि वो बहुत सारे पार्ट्स में ब्लॉक्स में जाकर डिवाइडेड है। ठीक है, और इस एक ब्लॉक के अंदर वो इन्फॉर्मेशन रखे हैं इंडेक्स रख रहे हैं कि ये इसके अंदर है, दैट मींस हम वो रख रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, पॉइंटर रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अगर हमारे बहुत सारे फाइल, उस फाइल जो है बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो बहुत ज्यादा ब्लॉक में डिवाइडेड होगी, तो उसके जो कंटेंट होगा उसमें लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास इतना सारा कंटेंट आ गया कि इस एक ब्लॉक के अंदर वो स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं इस एक ब्लॉक के साइज के अंदर, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं हम कि अब हम करेंगे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब जैसे कि हमने पहले मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, जो इंडेक्स टेबल का काम होता है, जो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती, यानी कि मल्टी टेबल मल्टीपल टेबल में वो होता था, पेज टेबल बनाते थे तो मल्टीपल पेज टेबल हो जाते थे, उसी तरीके वही वाला सिनेरियो इसमें इसमें क्या करा उन्होंने कि ये जो पहले वाला प्रॉब्लम वो था इंडेक्स, जो नॉर्मल इंडेक्सिंग थी वो तो रहेगा ही, जो कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग जिसे हम कहते थे, दैट मींस डायरेक्ट हमारे को यहाँ यहाँ पे इस पेज पे पता लग गया कि ये यहाँ पे यहाँ वहां पॉइंट कर दिया हमने, लेकिन ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद मल्टीपल की बात की हुई कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इसे सिंगल लेवल या फिर वो कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना सिंगल लेवल, या सिंगल लेवल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टोर होगा ना, वहां पे यहाँ पे जो कंटेंट स्टोर होगा वो उस बारे में स्टोर होगा कि अगर उसके आगे वो होगा, समझ रहे हो आप, जैसे कि ये हमारा है यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो सिंगल लेवल में क्या होगा कि इस एक हमारा यहाँ पे एक ब्लॉक होगा जो कि इसके ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो होगा ये दूसरे पॉइंट पर पॉइंट कर रहा होगा, समझे। ठीक है, और जो दो लेवल होगा उसमें क्या होगा कि दो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे कर रहा होगा, फिर दूसरा ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे कर रहा होगा जिस जो कि डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। ओके, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इसमें। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा कि ये ऊपर का पार्ट तो हमारा एट्रीब्यूट्स के लिए है, ठीक है, यहां ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्टिव के लिए है, ठीक है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंटर है, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंटर। और ये जो है हमारा सिंगल लेवल पॉइंटर कह रहे थे, या फिर है ना वन, यानी कि एक सिंगल लेवल है, ठीक है, यानी कि हम सिंगल, ये सिंगल है, एक डबल भी यूज कर रहे हैं, एक डबल यूज कर रहे हैं और एक ट्रिपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल एंड एक ट्रिपल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट होता है तो सीधे पॉइंट कर रहा होता है वहां पे, तो सीधे डायरेक्ट कितने हैं, 10 डायरेक्ट है, दैट मीन्स हमारे 10 तो डायरेक्ट है, तो इसमें तो हमारे कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंगल कितने हैं, यानी कि अब हमारे को ये पता करना, अभी सिंगल के अंदर कितने होंगे ये हमें पता लगना करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे इस सिंगल के अंदर,
ठीक है, दैट मींस ये जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो वैसे क्या हो, क्या होगा? तो इसके लिए हमारे को देखना होगा कि हमारे डिस्क ब्लॉक का साइज कितना है। डिस्क ब्लॉक का साइज हमारा 1 KB का है, दैट मींस 1024 बाइट्स का है, ठीक है, ओके। और हमारा देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस क्या है, 32 बिट एड्रेस वाला एड्रेस है, लेकिन 42 बिट इंटीजर का यूज किया है, ठीक है। देखो क्या है, ब्लॉक डिस्क एड्रेस, वो डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 32 बिट्स एंड 48 बिट इंटीजर्स आर यूज, दैट मींस 48 बिट वाले को यूज किया है, तो 48 बिट, ठीक है, 48 बिट, 48 बिट का मतलब बाइट में कितना हो गया, 8 × 48, सो 6 बाइट का हो गया ना, 6 bytes का होगा, ठीक है। तो इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 170 point something आएगा, ठीक है, ये 62 या फिर ऐसे कुछ आएगा, 170 point something आएगा, ठीक है। तो हम 170 ले लेते हैं, ओके। तो हमारा कितना आ गया इसके अंदर, 170 आ गया। तो ये सिंगल है, सिंगल का मतलब क्या है, ये हमारा ये सिंबल एक किसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये बाकी इसके अंदर हमारी 170 होंगे, जो कि डायरेक्ट 170 ऐसे करके वो हो रहे होंगे। तो ये कितने होंगे हमारे, 170, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, डिस्क ब्लॉक, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए। डिस्क ब्लॉक का पूरे का साइज कितना है, 1024 बाइट्स का, और 48 बिट इंटीजर हो रहा है, तो 170 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। तो ये सिंगल के अंदर 170 हो गए। अब डबल के अंदर देखें, डबल के अंदर क्या होता है हमारा, कि दो होते हैं, दो लेवल होते हैं, ठीक है, एक तो ये, ठीक है, ये क्या, ये हमारा कितना है 170 का है, तो ये भी हमारा 170 का होगा, फिर एक ये होगा, ये 170 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 170 × 170, ठीक है। और तीन लेवल वाले में क्या होगा, 1, 2, 3, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 170 × 170 × 170, ठीक है, ओके। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर कहाँ लिखे, यहां लिखते हैं, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं, तो हमारा 10 तो डायरेक्ट है भाई, 10 डायरेक्ट है, प्लस 170 सिंगल लेवल में है, 170 प्लस डबल में क्या है, 170 × 170, ठीक है, और ट्रिपल में कितना है, 170 × 170 × 170, ठीक है, ओके, ये है, ठीक है, ओके। और अब हमारा क्या है, बाकी साइज कितना है, 1024, ठीक है। तो अभी आप इसको टोटल करोगे ना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर इससे निकलेगा, इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो हमारे ऑप्शंस है ना, उसके अंदर मैच नहीं कर रहा है हमारा, ये जो है, ये जो हमारा आंसर निकला है, वो इन ऑप्शंस के अंदर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ना 2 की फॉर्म में ही नहीं आ सकता, जैसे हमने लिखा है ना, ये आंसर कितने हैं, जैसे इसकी फॉर्म है ना 2 की पावर 24, हमारा जो आंसर आएगा वो हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कि डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 32 बिट्स एंड 48 बिट इंटीजर्स आर यूज, हमने 48 बिट इंटीजर यूज किया है, तो फिर अब आप 48 को, अभी आप 48 है, इसको आप 2 की पावर में तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है, और ये जो है, ये तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने 48 बिट का यूज किया है, ठीक है, ओके। और जो हमारा जो जो आंसर आ रहा है ना, जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो कुछ लोगों का अगर आंसर आएगा, तो वो जो आप 32 बिट के हिसाब से अगर आप करोगे, तो कोई आंसर आ सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि 32 बिट हमारा आएगा ना, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32, दैट मींस 2 की पावर 5 में आप इसको लग सकते हो, 2 की पावर 5, लेकिन 48 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32 = 64, दैट मींस 48 आता ही नहीं, तो आप 2 की फॉर्म में इसे लिख नहीं पाओगे, ठीक है, ओके। तो ये यहीं पे, यहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, कि हमारा अगर ये यहां पे अगर ये 32 बिट का अगर हम यूज करते, तब तो हमारा ये आराम से कट पिट करके यहां पे आ जाता आराम से, लेकिन अभी हमने 6 बिट वो 48 बिट यूज किया है इन्होंने, इसीलिए हमारा 2 की पावर के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसीलिए यहां से ना कोई सा भी आंसर मैच नहीं करेगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो, ओके। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू गेट टू आईआईटी YouTube चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ओके। मैं यहीं पे अपने सारे जितने भी गेट के, यूजीसी नेट के, इसरो के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे यहीं पे सॉल्व करके डालूंगा और टॉपिक्स भी डालूंगा।
ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू गेट टू यूट्यूब।